हेलो दोस्तों, नमस्ते। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। बना लेते हैं मटर से निमोने। निमोने की रेसिपी, ये मटर मैंने छील ली है। ये लगभग एक किलो की लगभग मटर थी, तो उसमें से करीब 800-900 ग्राम मटर निकली होगी। तो ये छील के उबाल ली है और थोड़े से ले लिए आलू। ये तो मटर को हम जो है इसको पीस लेंगे, या तो आप हाथ से ही दबा सकते हो, इस तरह करके दबा लीजिए तो अच्छी रहेगी। मिक्सी में तो बहुत महीन हो जाती है, तो सब्ज़ी इसकी अच्छी नहीं लगती है। तो चलिए इसको कर लेते तैयार। अगर आप ना कुछ करना चाहें तो इस तरह कटोरी ले लीजिए, इस पर इस तरह तेल लगा लीजिए थोड़ा सा, और इसको इस तरीके से दबा दबा के फोड़ लीजिए सबको। इससे करेंगे तो सब मटर ये फूट जाएगी, थोड़ी सी बची भी रहेगी तो देखने में भी अच्छी लगेगी। अगर साबुत थोड़ी रह भी जाती है तो तभी मालूम पड़ेगा कि हाँ मटर के निमोने बने हैं। तो देखिए मटर हमारी हो गई है तैयार, सब फूट गई। इन आलूओं को हम 4 पीस में काट लेंगे। आप चाहें तो इनको फोड़ भी सकते हो मोटा मोटा, नहीं तो इससे काट लीजिए। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए सारे आलू हमारे कट गए हैं। तो कढ़ाई में डाल देते हैं तेल 2 चम्मच के लगभग, 2 बड़ी चम्मच डाल देंगे। आधा चम्मच जीरा, आधी चम्मच थोड़ा कम डाल देंगे हींग, क्योंकि मटर बहुत बारीक करती है, गैस बनाती है, इसके लिए हींग डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब डाल देंगे इसमें प्याज, आधा प्याज मैंने काटा है। यहीं पर डाल देंगे 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट और आधा चम्मच अदरक का पेस्ट, और डाल देंगे 1 चम्मच ये मिर्चें हरी कटी हुई। तो इसको भून लेते तब तक कि हम प्याज हमारा थोड़ा ब्राउन ना हो जाए। तो देखिए प्याज वगैरह हमारा भून चुका है। हींग डाल देंगे हम इसमें थोड़ी सी हल, आधी चम्मच हल डाल देंगे, 1 चम्मच करीब लाल मिर्च डाल देंगे, और डालेंगे 2 चम्मच करीब सूखा पिसा धनिया, आधी चम्मच कम गरम मसाला डाल देंगे, तो मसाले हमारे हो गए। ये डाल देंगे टमाटर, 2 टमाटर काट के रखे हैं, टमाटर गल जाए इसके लिए डालेंगे नमक स्वाद अनुसार अपने। तो देखिए मसाले हमारे भुन गए हैं और टमाटर पूरी तरह गल चुका है। अब ही डाल देंगे हम इसमें आलू अपने जो उबाल के और काट के रखे हुए थे वो। अगर आलू नहीं खाते हो तो बगैर आलू के भी निमोने बना सकते हो, सिर्फ मटर के। तो यही डाल देंगे मटर जो हमने फोड़ के रखी हुई थी उसे। अभी अच्छे से मिला देंगे। तो देखिए मटर और मसाले हमारे मिक्स हो चुके हैं। अब यहीं भी डाल देंगे इसमें पानी, ज़्यादा नहीं डालेंगे, बस उतना ही डालेंगे जितने में हमारी सब्जी बन जाए, क्योंकि इसमें कुछ गलने के लिए तो है नहीं। मटर उबली हुई है, आलू भी उबले हुए हैं, तो उसी हिसाब डाल देंगे पानी। 10 मिनट के लगभग पका लेंगे इसको, अच्छे से खोल जाने देंगे। तो यहीं भी लगा देते हैं ढक्कन, इसे प्लेट इस पर रख देते हैं, इसको खोल जाने देते हैं। तो देखिए दोस्तों सब्ज़ी ऐसी होगी हमारी, अभी थोड़ी सी और पकेगी जब तक ये झाग ख़त्म नहीं हो जाएगा। झाग बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा लगेगा हाँ सब्ज़ी पक गई है। और थोड़ी और इसको चलने देते हैं। आप लोग कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको मेरी डिश कैसी लगती है, जो मैं बनाती हूँ रेसिपीज वगैरह, उससे मोटिवेशन मिलता रहता है काम करने के लिए। अच्छी लगे तभी कमेंट में बताइए, नहीं लग रही है तब भी बताइए। देखिए सब्जी हमारी हुई तैयार। यहीं डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला इसमें, 1/4 चम्मच करीब वो डालेंगे, आधी चम्मच से कम करीब। यहीं पर डाल देंगे हम हरा धनिया जो हमने काट के रखा है,
तो आप लोग इस तरीके से मटर के निमोनी बना के ज़रूर खाइएगा। धन्यवाद।